चांदा मेटा नगर परिषद के आर्थिक तंगी के चलते हाल बेहाल हैं। विकास के काम रुके हुए हैं। नगर परिषद अध्यक्ष गोविंद बजोलिया की माने तो पिछली नगर परिषद ने पूरे पैसों का दुरुपयोग किया है, जिसके कारण बिजली विभाग ने बिजली भी काट दी थी और नगर परिषद में कोई भी कार्य कराने में सक्षम नहीं है, जिससे वार्डों में कई काम कराने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। चांदामेटा नगर परिषद अध्यक्ष गोविंद बजोलिया ने कहा, पूर्व अध्यक्ष ने कई करोड़ का शासन से कर्जा लोन के रूप में लिया था, जिससे सरकार कुछ रुपयों की कटौती करके कुछ रुपए कम भेजती है। नगर परिषद अध्यक्ष ने विकास कार्य रुकने के लिए पूर्व अध्यक्ष को दोषी ठहराया है और कहा, सीएमओ के न रहने पर भी बिलिंग में मुश्किल की जा रही है। इसको लेकर वर्तमान अध्यक्ष गोविंद बजोलिया ने सरकार से तत्काल सीएमओ दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द नगर परिषद चांदामेटा में सीएमओ को पदस्थ किया जाए और आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए जिला सांसद और सरकार से मदद मांगी है। समस्त साथियों के माध्यम से नगर पंचायत परिषद में पत्रकार वार्ता में मैं अवगत कराना चाहता हूँ। 20 अगस्त को मुझे चार्ज मिला है। 20 अगस्त को चार्ज में मुझे 26,000 रुपये नगर परिषद में प्राप्त हुए हैं, लेकिन वर्तमान दौर पे इस परिषद को चलाने में आर्थिक व्यवस्थाओं में बहुत दिक्कतें महसूस हो रही हैं। लगभग 54 से अधिक बकायादार इस नगर परिषद के बाकी हैं और हमारा चुंगी क्षति और अन्य मदों से जो हमें प्राप्त होता है वो 20 से 24 लाख के बीच में प्राप्त होता है अनुदान राशि सहित, और हमारा जो प्रतिमाह खर्च है वो लगभग 32 से 36 लाख के बीच में है। 8 से 10 लाख रुपए हमें जो चुंगी क्षति है वो कम भी मिलती है। वो इसलिए मिलती है कि पूर्व परिषद के द्वारा उसमें ऋण ले लिया गया था, उस ऋण की कटौती होती है, जिसके कारण अभी स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। अन्य छोटे छोटे काम जो शहर की आवश्यकताओं के हिसाब से है, जिसको करने में हम दिक्कतें महसूस कर रहे हैं, किंतु माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी की कृपा दृष्टि से आने वाले साल के सड़क के पूर्व भी हम इन सारी व्यवस्थाओं को सुधार कर लेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।